Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं हैबिट एंड टेक यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एक बहुत सीरियस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक तरफ देखा जाए तो जो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, इतनी अपडेट हो रही है, एक तरफ इसका अच्छा पहलू ये है कि हमारा काम आसान हो रहा है, हमको बहुत फ़ायदे हो रहे हैं, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो उसके कॉन्स हैं ना, बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। क्या है वो कॉन्स, कैसे फैल रहे हैं, क्यों नुकसान हो रहा है हमको, किस तरफ जा रहे हैं हम और क्यों हमें इन सब से बचना चाहिए, क्यों ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्यों ज़रूरी है ये आपके लिए, क्यों ज़रूरी है, देखते रहिए पूरा वीडियो और आपको पूरा कुछ समझ में आ जाएगा कि मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग जब डिजिटल चीज़ों की बात करते हैं ना, जैसे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टेलीफोन, नेटवर्किंग, ये सब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोग जब सिक्योरिटी के फील्ड से हों या कंप्यूटर साइंस के फील्ड से हों, तो हमको ये पढ़ना पड़ता है, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जो इस बैकग्राउंड से नहीं है, जिनका दिमाग कुछ अलग तरीके से चलता है, मतलब दुनिया में हर प्रकार के लोग हैं यार, अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, हम लोग बहुत शिकार हो रहे हैं इस चीज़ का, टेक्नोलॉजी का। आप शायद जानते होंगे फिशिंग अटैक्स कैसे होते हैं और सोशल इंजीनियरिंग कैसे काम करती है, बहुत फैल रही है। इसी वजह से बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अटैक्स इसी वजह से होते हैं। और एक अटैक अभी फ़िलहाल में मेरे साथ हुआ है, अभी मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा कैसे हुआ, क्या हुआ, एक अवेयरनेस टाइप का वीडियो है ये, तो यार प्लीज़ पूरा देखिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपको पता है तो किसी और को भी पता होगा, तो प्लीज़ शेयर करना यार। देखो इस कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। मैंने एक ऐड डाली थी ऑनलाइन ओवेलएक्स वेबसाइट पे, मैंने एक ऐड डाली थी, मुझे कुछ सामान बेचना था, तो मैंने कुछ प्राइस रखा था उसका, ऐड का मान लेते हैं उसका प्राइस था 10,000, ठीक है, उस सामान का प्राइस है 10,000। अब मैंने वो ऐड डाली ओवेलएक्स पे ताकि मुझे बायर्स मिल सकें, और कुछ बायर्स उसके बाद ऐड देखने के बाद मुझे मैसेज करने लगे, नेगोशिएट करने लगे, मेरे पास बातें होती रही। अब एक फ़ोन कॉल मुझे आया अगले दिन, मैंने ऐड डाली थी, उसके अगले दिन मुझे दोपहर में एक फ़ोन कॉल आया। उन भाई साहब ने कहा, मतलब अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वो फ़ोन कॉल नहीं है, वरना मैं आपको ज़रूर बताता, ज़रूर सुनाता, मेरे कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए थे तो मैं फ़ोन कॉल रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो हुआ क्या था कि उन्होंने कॉल किया, उन्होंने मुझे कहा कि आपने एक ऐड डाला है, वो आप ही हैं क्या, मतलब ओएलएक्स वाले? मैंने बोला हाँ। उन्होंने बोला कि हमें ये पसंद आ गया है, हमको ये लेना है। तो मैंने बोला ठीक है, आप आ जाओ, देख लो इसको एक बार, अच्छे लगे तो आप ले लेना। नहीं, उन्होंने कहा कि मैं नहीं आऊँगा, मेरी वाइफ आएंगी, वो शाम को आ जाएंगी, मतलब जब भी आपका टाइम फ्री रहेगा आप बता दो, तो कभी भी आ जाएंगे हम, लेकिन पेमेंट आप कैसे लोगे आप ये बताओ। मैंने बोला भाई साहब आप पहले देख लो सामान, हो सकता है आपको पसंद ना भी है, देखने के बाद तो देखने से पता चलता है ना कि कैसा कैसा है, क्या है सब, हम बता भी देंगे। नहीं, उन्होंने बिना देखे, मतलब उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, मुझे सब बढ़िया लगा, सब सही है, सेट है, हम लोग ले नहीं लेंगे, उसके बाद आप बताओ पेमेंट कैसे लोगे। मैंने बोला ठीक है चलो, आपको पहले पेमेंट देनी है तो दे दो। फिर मैंने कहा कि मैं मतलब मेरा जो बेस्ट, जो इजीएस्ट जो पेमेंट ऑप्शन है यूपीआई, मैंने बोला उनको कि मैं यूपीआई से ले सकता हूँ पेमेंट। तो उन्होंने बोला ठीक है हाँ, आपका जो भी अमाउंट है मैं आपको भेज देता हूँ, आप यूपीआई में देख लो। तो कुछ देर बाद उनका फिर कॉल आया, उन्होंने बोला कि आप गूगल पे यूज़ करते हैं क्या? ठीक है, गूगल पे, मैं गूगल पे यूज़ करता नहीं हूँ, मेरे पास इंस्टॉल्ड है, मैं अलग यूपीआई ऐप इंस्टॉल करता हूँ, मतलब यूज़ करता हूँ। तो उन्होंने बोला यूपीआई यूज़ करते हो क्या, गूगल पे यूज़ करते हो क्या? मैंने बोला हाँ मैं यूज़ करता हूँ, यूपीआई तो यूज़ करता हूँ, तो आप अपना वर्चुअल एड्रेस दो यूपीआई का एड्रेस दो। तो उस केस में मैंने उनको एड्रेस दिया, क्योंकि पेमेंट आप ऐसे ही भेज सकते हो यूपीआई के थ्रू। मैं आगे की कहानी बताऊँ उससे पहले आपको मैं एक यूपीआई का ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि ये नया जो पेमेंट सिस्टम है, इतना आसान, इतना रिवॉल्यूशनरी पेमेंट सिस्टम है ना, कैसे काम करता है आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो यूपीआई है ना, ये एक पेमेंट ऑप्शन है। पहले क्या होता था, पुराने ज़माने में हम लोग जब पेमेंट करते थे ऑनलाइन, तो नेट बैंकिंग यूज़ करते थे, कार्ड्स यूज़ करते थे, उसमें क्या होता था, हमको बैंकिंग डिटेल्स देनी पड़ती थी किसको भी जिसको हम लोग को पैसा भेजना है या जिससे पैसा लेना है, ठीक है, उसको हमको बैंकिंग डिटेल्स भेजनी है, जैसे मान लेते अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये सब हमको भेजना पड़ता था उसको। तो बैंकिंग डिटेल्स बहुत सारे केसेस में मिसयूज़ भी हो सकता है, ये बहुत हैसल का काम था। और भी अगर आपको पेमेंट करनी है किसी को, तो आपको उसको बेनिफिशियरी में ऐड करना पड़ता है, उसका जो अकाउंट है उसको ऐड करना पड़ता है, अपने जो भी ऐप आप यूज़ कर रहे हो, वेबसाइट जो भी आप बैंक की यूज़ कर रहे हो उसमें ऐड करना पड़ता है, 30 मिनट लगते हैं मिनिमम,
मिनिमम लगते हैं, NEFT होता है, RGTS, RTGS, IMPS, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन सब में आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगता था, हैजल हो जाता था, टाइम लगता था बेनिफिशियरी ऐड होने में, कूल डाउन होने में, और अकाउंट डिटेल्स देनी पड़ती थी। तो ये सब जो झंझट था ना, ये झंझट को दूर करने के लिए UPI इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें क्या होता है कि ये भी ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन है। इसमें मेन एडवांटेज ये है कि आपको सिर्फ एक वर्चुअल एड्रेस, UPI की आईडी आप बोल सकते हो, आइडेंटिफायर, आपका हर यूजर का एक आइडेंटिफायर बनेगा UPI ऐप में, और सिर्फ उसको भेजना है आपको, जिसको भी आप पेमेंट भेजना चाहते हो या जिससे भी आप पेमेंट लेना चाहते हो, आपको सिर्फ वो भेजना है उस आदमी को, ठीक है, अपना वर्चुअल एड्रेस UPI का। उसमें ना कोई बैंक अकाउंट इन्वॉल्व होता है, ना कोई IFSC कोड होता है, कुछ नहीं, सिर्फ एक वर्चुअल एड्रेस आप क्रिएट करो, पब्लिक होती है वो, तो उससे वो आपको आपको पैसा भेज सकता है डायरेक्ट। एक और बात, ये हो गया UPI का ओवरव्यू। अब UPI यूज करने वाले बहुत लोग हैं, मतलब बहुत ज्यादा वायरल हो गया ये, और बहुत इजी है ना ऑप्शन, बहुत इजी ऑप्शन है, तो बहुत यूज होता है। डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट से आप अपना जो UPI आपका ऐप होता है ना, आप उसको अपने बैंक अकाउंट से लिंक करते हो। आपके बैंक अकाउंट से एक मोबाइल नंबर लिंक होता है, और उस मोबाइल नंबर के थ्रू ही आप UPI ऐप से अपना बैंक अकाउंट लिंक करते हो। तो UPI में क्या होता है, UPI में आप जिसको भी पेमेंट भेजना चाहते हो, आपको उसकी वर्चुअल एड्रेस लेनी पड़ेगी, मतलब उसकी एड्रेस क्रिएट होगी UPI ऐप के थ्रू, जो भी ऐप होगा, जिसके थ्रू भी, चाहे भीम हो सकता है, गूगल पे हो सकता है, फोन पे हो सकता है, सबकी अलग अलग UPI आईडी हो सकती है। तो एक इंसान की भी अलग अलग UPI आईडी हो सकती है, पेटीएम की भी अलग होती है, भीम की अलग होती है, ये सब अलग हो सकती है। तो आपकी मर्जी है आप किससे रिसीव करना चाहते हो पेमेंट को। तो आपको जो भी बंदा पेमेंट भेजना चाहता है, वो आपका वर्चुअल एड्रेस लेगा या UPI आईडी लेगा। वो कुछ इस तरीके से दिखती है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये आपकी वर्चुअल एड्रेस होती है UPI की। तो इसको आप भेजते हो उस आदमी को जो आपको पेमेंट भेजना चाहता है, उसके पास भी UPI अनेबल्ड होना चाहिए, उसके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। तो वो आपकी वर्चुअल एड्रेस डालेगा, कितना अमाउंट पे करना है वो डालेगा, और एक UPI पिन डालेगा। ये पिन क्या होता है, ये जो UPI पिन होता है ना, ये 6 डिजिट का नंबर होता है। ये पिन यूज होता है हर ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करने के लिए, मतलब ये पिन जो है वो हाईली कॉन्फिडेंशियल है। ये जो UPI एड्रेस था वो पब्लिक था, वो UPI आईडी वो जो था वो पब्लिक था, लेकिन UPI पिन कॉन्फिडेंशियल होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि उससे हर ट्रांजेक्शन वैलिडेट हो जाता है। चाहे आप किसी को पेमेंट भेज रहे हो, तो आपको UPI पिन ऐड करना पड़ेगा ताकि वैलिडेट हो पाए कि आप ही भेज रहे हो। तो हर ट्रांजेक्शन पे सेंड करने के पहले एक UPI पिन इन्वॉल्व होता है, ठीक है, अगर मनी सेंड किया जा रहा है तो। और UPI में एक इंटरेस्टिंग बात यह है, यहां से ध्यान से सुनिएगा, यहीं से फ्रॉड स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे UPI में एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड कर दिया गया है जो सिर्फ UPI में ही आया है, और ये फीचर कौन सा है, पेमेंट एक्सेप्ट करने का। मान लेते हैं आप जब कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो कोई भी प्रोडक्ट आप चूज करते हो, तो पेमेंट ऑप्शन में UPI भी आता है। UPI में आप क्या डालते हो, अपनी वर्चुअल एड्रेस डालते हो, जो UPI आईडी है आपकी। तो उस UPI आईडी को डालने के बाद एक वेरीफाई का बटन आता है या सेंड का बटन आता है, उसके बाद आपका नाम दिखाता है ताकि वेरीफाई हो पाए कि आप सही UPI आईडी भेज रहे हो, ठीक है, वो वेरीफाई के लिए, वेरिफिकेशन के लिए जरूरी होता है। अब आप जब उस UPI आईडी को भेजते हो ना मर्चेंट के पास, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जो भी है, वो क्या करता है, वो आपको एक कलेक्ट रिक्वेस्ट भेजता है। अब कलेक्ट रिक्वेस्ट क्या है, ये नया ऑप्शन ऐड हुआ UPI में। जब भी आपको किसी से पेमेंट लेनी है, मतलब कोई मनी ट्रांसफर करना है, आप चाहते हो कि सामने वाला मेरे को पैसा भेजे, ठीक है, सामने वाला मेरे को पैसा भेजे, तो आप उसको एक कलेक्ट रिक्वेस्ट भेजोगे, या मनी रिक्वेस्ट भेजोगे, या कॉल रिक्वेस्ट भेजोगे। आपको उसकी वर्चुअल एड्रेस चाहिए, तो आप उसकी वर्चुअल एड्रेस पे कलेक्ट रिक्वेस्ट भेजते हो, और वो सामने वाला क्या है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। इस केस में पेमेंट अगर आपको अपने अकाउंट से किसी और अकाउंट में डालना है, तो सामने वाला आपको कलेक्ट रिक्वेस्ट भेजता है आपके पेमेंट जो UPI का ऐप है उस पे। तो आप उस पेमेंट रिक्वेस्ट को पहले रिव्यू कर लो, उसके बाद आप एक्सेप्ट कर सकते हो। एक्सेप्ट करने के लिए आपको अपना UPI पिन डालना पड़ता है, ठीक है, रिसीव करने के लिए सामने वाला बंदा आपको कलेक्ट रिक्वेस्ट भेजता है, और आप उसको अपना UPI पिन डाल के वैलिडेट करते हो। फिर क्या होता है, आपके बैंक अकाउंट से उस मर्चेंट के पास पैसा चले जाता है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन में होता है, ठीक है। यहां पर एक बात याद रखने की ये है कि जब आप किसी से पैसा लेना चाहते हो UPI के थ्रू, तो आप उससे रिक्वेस्ट भेजोगे, और सामने वाला उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के लिए उसको पिन डालना है, और उसके बाद फिर उसके बैंक अकाउंट से डायरेक्ट पैसा आपके पास आ जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो ये होता है। अब फ्रॉड कैसे होते हैं, इससे फ्रॉड जो मेरी कहानी थी, मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको अपनी वर्चुअल एड्रेस दी, और इसने बोला कि मैं थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। तब तक मुझे समझ आ गया था कि ये क्या कर रहा है, तो मैं शांति से बैठा था, देख रहा था क्या हो रहा है, चलने दो। तो थोड़ी देर बाद मेरे को उसका कॉल आया,
उन्होंने कहा कि आप अपना यूपीआई ऐप खोलो, मैंने आपको पेमेंट भेज दी है, मैंने आपको उस पेमेंट मतलब 10,000 मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, उसने मैंने आपको 10,000 पेमेंट भेज दी है, अपना यूपीआई ऐप खोलो, इस केस में गूगल पे खोलो, उसमें ऑल ट्रांजेक्शन में जाओ, मैं वही कर रहा था जो वो बोल रहा था, ठीक है, ऑल ट्रांजेक्शन में जाओ और वहां पर आपको सबसे ऊपर एक पेमेंट का मतलब जो 10,000 का पेमेंट है वो वाला आपको स्क्रीन दिखेगा, वो पेमेंट आपको दिखेगी वहां पे ऑल ट्रांजेक्शन में। अलग अलग यूपीआई ऐप में डिफर कर सकता है, गूगल पे की मैं बात कर रहा हूँ, यहां पर आपको दिखेगा ऑल ट्रांजेक्शन में सबसे ऊपर वाला एक पेमेंट 10,000 का, आपको उसको एक्सेप्ट करना है। अब यूपीआई में क्या होता है, यूपीआई में ये बात है कि जब भी आप किसी को सेंड कर रहे हो पैसा तब आपको पेमेंट एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है, ये बात याद रखो, ये गोल्डन वर्ड्स में बोल रहा हूं आपको, ये याद रखना है। यूपीआई में फ्रॉड ऐसे ही होते हैं कि जब भी आपको कोई पेमेंट किसी को भेजनी है तो आपको उसे खुद वैलिडेट करना पड़ता है, ना कि सामने वाले को। तो इस केस में वो क्या बोल रहा था कि आप एक्सेप्ट करो, क्योंकि मतलब मैं क्यों एक्सेप्ट करूंगा, मुझे तो पेमेंट उसको तो मुझे पेमेंट देनी है ना, मैं क्यों एक्सेप्ट करूंगा ये चीज। तो मैंने बोला भाई देखो, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था उस डब्बे में पेमेंट में कि अगर आप इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करोगे तो आपके बैंक से पैसे डेबिट होंगे ना कि क्रेडिट होंगे। डेबिट और क्रेडिट मतलब पैसे आएंगे, डेबिट मतलब पैसे जाएंगे बैंक अकाउंट से। तो ये सब मुझे दिख रहा था वहां पे, मैंने उसको बोला भाई यहाँ पर तो डेबिट लिखा रहा है, यहाँ पर तो मुझे मैसेज भी आया बैंक से कि आप अगर इसको एक्सेप्ट करते हो तो आपके बैंक अकाउंट से पैसे जाएंगे, आएंगे नहीं। तो मैंने उसको ये साफ साफ बोला। नहीं, फिर उसने भी अपने सफाई देनी चालू कर दी, और उन्होंने मतलब जो ये फ्रॉड्स होते हैं ना, वो सामने वाला यही बोलेगा कि मैं इंडियन आर्मी से हूँ, मैं कोई गवर्नमेंट पोजीशन से हूँ, मैं बहुत बड़ा एक रेप्यूटेड आर्मी हूँ, मैं ट्रस्टेड आर्मी हूँ, ऐसा वो प्रिटेंड करेगा। मुझे उसने यही कहा कि भाई मैं आर्मी से हूँ, आपका आपके बैंक अकाउंट से एक भी पैसा नहीं जाएगा, आप ट्रस्ट करो मुझ पे। वो आपके दिमाग को ऐसे ट्रिक करना चाहेगा कि आप उस पर ट्रस्ट कर लो, पता नहीं किस किस के कसमें खाएगा वो, और किस किस तरीके से बोलेगा कि मैं रोज ट्रांजेक्शन करता हूँ। यार ऐसे ही होता है, पागल थोड़ी बैठे हम लोग, इतना भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप इंडियन आर्मी से हूँ मैं, वो थोड़ा फेक सा एक कार्ड भी दिखाएगा आपको, आर्मी से कोई आदमी का स्पूफ करके वो कार्ड दिखाएगा, और मतलब जितना हो सके उतना ट्रस्ट कराने की कोशिश करेगा वो। और हम लोग इस फ्रॉड में हम लोग फंसते इसलिए हैं कि ये यूपीआई का जो मेथड है ना, ये इससे ज्यादा लोग फेमिलर नहीं है, जो ये मेथड है, जो फीचर है कलेक्ट रिक्वेस्ट का आज भी, क्योंकि ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है, और बिना देखे हम लोग मतलब पेमेंट मिल रही है तो हम लोग ऐसा एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, हमको पता नहीं है कि ये क्या हो रहा है, कैसे काम कर रहा है, पेमेंट दिखाई वहां पर और एक्सेप्ट पे क्लिक किया, यूपीआई पिन डाला, मतलब हम लोग ऐसा समझते हैं कि ये जो पेमेंट है हम लोग वैलिडेट कर रहे हैं, लेकिन वैलिडेट हम लोग क्या कर रहे हैं, कलेक्ट रिक्वेस्ट को। मेरे केस में ये कलेक्ट रिक्वेस्ट आई थी मुझे, ना कि पेमेंट आई थी, तो मुझे पता था कि ये क्या है, मतलब कलेक्ट करना है, मतलब मेरे बैंक अकाउंट से उसके पास चले जाएंगे पैसे। लेकिन मैं भी बड़े आराम से सुन रहा था, मुझे पता था, मुझे मस्ती करने का बहुत बड़ा मन हो रहा था उस टाइम पे। मैंने उसके बोला ठीक है भाई, आपको अगर ये प्रूफ करना है ना, आपको लगता है कि जब आप किसी को पेमेंट सेंड कर रहे हो तो उसको वैलिडेट करना पड़ता है, आप मुझे अपनी यूपीआई आईडी भेजो, आप मुझे अपनी यूपीआई एड्रेस भेजो, मैं आपको पेमेंट पैसा सेंड करके प्रूफ दे देता हूँ कि आपको रिसीव हो जाएंगे तुरंत, तो ये आप गलत बोल रहे हो, और नहीं हुए आपको वैलिडेट करना पड़ा तो मैं आपको आपने जो पेमेंट भेज दिया उसको मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। तो वो मुझे अपनी यूपीआई आईडी भेज नहीं रहा था, वो बोल रहा था भाई पहले एक्सेप्ट तो करो, एक्सेप्ट करो, मैं आपको पूरी पूरे पिन विन सब भेज दूंगा, अपना यूपीआई पिन भी भेज दूंगा, आप पहले एक्सेप्ट करो। जो 10,000 का पेमेंट था ना, बोला चलो 5,000 का एक्सेप्ट करके देख लो, फिर 1,000 का करके देख लो चलो एटलीस्ट, फिर 500 का करके देख लो। भाई 1,000-500 के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो यार, इतना कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, इतना सही जगह मेहनत लगाते तो शायद उससे ज्यादा आज कमा लेते। मैं तो बड़े मजे ले रहा था यार उसके, मैंने बोला कि चलो मैं आपको 1 रुपया बेच के देखता हूँ, अगर तुरंत आ गया ना तो आप गलत बोल रहे हो, प्रूव हो जाएगा। तो बोला वो, उसने बोला कि भाई 500 रुपये, चलो 500 रुपये बेच के देखो। भाई यूपीआई की जो मिनिमम लिमिट होगी ना, मैं उतना भेजूंगा ना टच करने के लिए, 500 क्यों भेजूंगा, 500 क्यों कर रहे हो बार बार। आपको पता है कि आपको यूपीआई पिन ऐड करने की जरूरत नहीं होती है यहाँ पर, ये बात याद रखो। मैंने उसको भी बोला, तुरंत उसने फोन काट दिया। यहीं पे आपको सतर्क रहना है, बिना सोचे समझे कलेक्ट रिक्वेस्ट को या यूपीआई की जो पेमेंट है उसको एक्सेप्ट ना करो। एक्सेप्ट तभी करो जब आपको किसी को पेमेंट भेजनी है, सामने वाले को भेजनी है, तभी आप उसे एक्सेप्ट करोगे। जो सामने वाला सेंड कर रहा है आपको वैलिडेट करने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल सा चीज जो मैं आपको बताने वाला था इस वीडियो में यही है कि प्लीज यार, ये यूपीआई के फ्रॉड बहुत बढ़ रहे हैं आजकल, ऑनलाइन बहुत सारे कस्टमर के फ्रॉड्स हुए हैं, मैंने भी इसको एक्सपीरियंस करके देख लिया। मैंने उसी दिन सोच लिया था कि ये वीडियो बनाना है, और आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत जरूरी था। जितना हो सके यार प्लीज इसको शेयर करना,
और मेरे ख्याल से इसको शेयर करना बहुत जरूरी है, सोशल कॉज के लिए कर दो, ताकि बहुत लोगों को पता चले यार इतने लोग इतने टेक्निकल नहीं है, इतने नॉलेजेबल नहीं है, और बहुत सारे लोगों के 25-25-30 लाख लाखों रुपए भी जा चुके हैं यूपीआई के फ्रॉड से। आपको वो पूछेंगे कि आपके बैंक अकाउंट में जीरो बैलेंस तो नहीं है क्या, तो आप तभी समझ जाओ, या उससे पहले जब किसी ने प्रोडक्ट देखा ही नहीं है तुरंत मान लिया कि मैं पेमेंट कर दूंगा बिना देखे, तो उस समय समझ आना आ जाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से जितना हो सके बचे रहो यार, ऑनलाइन पेमेंट बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है, बहुत ऑनलाइन जितने फ्रॉड्स हो रहे हैं ना बहुत बढ़ रहे हैं आजकल, तो बहुत सावधानी से सब कुछ देख के समझ के हो क्या रहा है आसपास ये समझ के जल्दबाजी में किसको भी पेमेंट मत कर दो। ये जो ओटीपी होते हैं ना, ओटीपी, यूपीआई पिन और पासवर्ड्स, बैंक अकाउंट नंबर, ये सब किसी को भी भूल के भी मत देना। आजकल नेट बैंकिंग बहुत कम हो गई है, यूपीआई बहुत यूज़ कर रहे हैं लोग, इसलिए फ्रॉड बहुत बढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो यार, जहां भी आप कर सको, अपने फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप्स में, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जहां भी आप कर सको। और प्लीज ऑनलाइन कहीं भी मत जाओ यार, डोंट फ्लो विद द इंटरनेट, जहां भी जा रहे हो आंखें खोल के जाओ, जितना ओपन रहोगे आप उतना वल्नरेबल रहोगे, सब कुछ देख के समझ के सतर्क रहो, सावधान रहो, और बस यही है जिंदगी में, खुश रहो, देखते रहो, सीखते रहो, और गुड बाय।